हेलो नमस्कार आदाब सलाम सस्त्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक कम खम्मा गणी हुकुम गेम दे अच्छा की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, दुकान है, कंसल्टेशन का काम है, किसी भी प्रकार का कोई आमदनी का स्रोत अगर आपका है जिसको व्यवसाय अपन कह सकते हैं और उसमें आप बार बार फेल करते चले जा रहे हो, बार बार आपको घाटा हो रहा है, चाह करके भी आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बहुत ही असाधारण और आसानी से होने वाला उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने बिजनेस को नीचे से ऊपर उठा सकते हो, यानी कि डाउन से फिर अप कर सकते हो, बिजनेस को फिर से एक टॉप ग्रेड पे ला सकते हो। आपके लेवल में जितने लोग हैं साल भर के अंदर में सारे आपसे नीचे आ जाएंगे और आप सबसे ऊपर टॉप पे आ जाओगे। ये उपाय बहुत ही आसान है। वैसे जन्म कुंडली और हस्तरेखा में अगर ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत है तब ये उपाय भी आपको 100% काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा लें। सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज दें, जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा लें तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। जब तक आप फीस जमा करने में सक्षम नहीं हैं, आप नहीं दिखा सकते, तब तक के लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो रामबाण साबित होगा। देवी और सज्जनों, आज का जो हमारा दौर है सनातन धर्म का, उसमें सब लोग जागृत हैं। हर किसी के घर में, किसी के घर में रामा तुलसी तो किसी के घर में श्यामा तुलसी रहती है। ये प्रयोग श्यामा तुलसी का है। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नर्सरी से एक 50 रुपया 25 रुपया में एक पेड़ देगा, खरीद करके ले आएँ अथवा किसी के यहाँ से मांग करके ले आएँ श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी थोड़ा सा उसका पत्ता काला होता है और रामा तुलसी का हरा रहता है नॉर्मल, लेकिन श्यामा तुलसी के पास जाएंगे तो आपको अपने ही दिखाई देगा काला पत्ता है तुलसी का। तो उस तुलसी के पेड़ के पास जब जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पेड़ भी उगे रहते हैं, तो उसमें से भी आप उखाड़ करके ला सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ आप वहीं पर से लेकर के कर सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के पास में वो श्यामा तुलसी का पेड़ है अथवा किसी मंदिर पे लगा हुआ है अथवा आपके घर में है, तो आपको क्या करना है कि उस तुलसी के चारों तरफ आसपास में जितना भी जंगल उगा हुआ है, खरपतवार जो जन्मा हुआ है, उन सब को आपको तुलसी के चारों तरफ से उखाड़ लेना है। उखाड़ करके, और उसको उखाड़ना कब है तो उसका भी मुहूर्त है, गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग में इसको करना है। दिन होना चाहिए गुरुवार का, सर्वार्थ सिद्ध योग होना चाहिए, राहु काल से रहित होना चाहिए, और अगर संभव हो तो शुभ लाभ की अमृत चौघड़िया में अगर आप करें तो ये सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला ये उपाय है। आप कहेंगे ये समय पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आपको किसी पंडित से संपर्क करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा जो योग्य व्यक्ति हो, जो गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कब बन रहा है, और अगर साथ में ही शुभ लाभ अमृत की चौघड़िया भी अगर बन रही हो तो विशेष काम होगा। नहीं तो कम से कम गुरुवार का दिन और सर्वार्थ सिद्ध योग चाहिए जो मैं बता रहा हूँ उसको करने के लिए। हाँ, तो उपाय पे आते हैं। तो करना क्या है कि उस तुलसी के आसपास में जितने भी खर पतवार हैं उन सबको उखाड़ करके एक पीले कपड़े में जो है सो बांध लेना है, और उसको बांधने के बाद ओम गंग गणेशाय नमः, पुरुष अगर हैं तो ओम गंग गणेशाय नमः, महिला अगर है तो नमो गंग गणेशाय नमः, इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जाप कर लेना है।
और उस पीले कपड़े में जो बंधा हुआ खरपतवार है उसको अपने व्यापार स्थल पर में जा करके, जहाँ पर में गल्ला हो अथवा कहीं भी आसपास में जहाँ पे आपको कंफर्टेबल जगह हो, उस जगह पर में वो पीला कपड़ा में ही रहेगा, उसको रख देना है। जब भी आप अगले दिन व्यापार स्थल पर में जाने लगे तो सबसे पहले सुबह में स्नान करके आपको गणेश जी का ओम गंग गणेशाय नमः अथवा नमो गंग गणेशाय नमः मंत्र का एक माला 108 बार जाप करके, और मन ही मन बिजनेस व्यापार में जो बाधा आ रही है, विफलता आ रही है, परेशानी आ रही है, घाटे में जा रहे हो, उसके लिए प्रार्थना करके और फिर व्यापार स्थल के लिए निकलना है। इससे आपको श्रेष्ठ लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। शर्त यही है कि ये उपाय जो आपको करना है, वो जो खरपतवार घास जो श्यामा तुलसी के पास से उखाड़नी है, वो गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग में शुभ लाभ चौघड़िया की अमृत बेला में आपको उखाड़नी है। इसका पता किसी ज्योतिष पंडित से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से उपाय से आपका समस्या का समाधान निश्चित तौर पर भगवान गणेश करेंगे, और आपके लिए अच्छा ये होगा कि ये उपाय आप हर गुरुवार को करें। पहले वाला जो वो खरपतवार है उसको उठा करके उस कपड़े से बाहर फेंक दें, कपड़े को धो लें, उसको सुखा लें, और फिर इस गुरुवार को भी अगर सर्वार्थ सिद्ध योग पर रहा है तो ठीक है, नहीं पर रहा है तो भी आप एक बार जब आपने कर लिया तो इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहें। फिर से उसको उखाड़ करके उसमें डाल करके खरपतवार को पीले कपड़े में 108 बार गणेश जी के मंत्र का जाप करके उसको अपने व्यापार स्थल पे रख देना है। ये हर गुरुवार को 5 गुरुवार आप करें, ईश्वरीय कृपा कमाल की होगी और आपका बिजनेस व्यापार धीरे धीरे करके उठता चला जाएगा। कम से कम 5 करें, नहीं तो संभव हो तो हमेशा करते रहें, सालों साल करते रहें, इससे आपका ग्रोथ ही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और अगर विशेष परेशानी है तो जन्म कुंडली और हस्तरेखा का जांच दिए गए नंबर पर में एक बार व्हाट्सएप करके ज़रूर करवा लें, आपके समस्या का समाधान निश्चित तौर पर में होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि जिनका भी बिजनेस घाटा में है उनको लाभ मिले, उनको फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो मिलते रहें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलिए राधे राधे, राम राम।